नंदू नंदू उठ बेटा। क्या है माँ, तुम तो रोज रोज जल्दी उठा देती हो। दिन चढ़ाया मेरे लाल, मुझे बाहर भी तो जाना है। जल्दी से मुंह हाथ धोकर रोटी खा ले। रोटी? हाँ, रोटी के साथ क्या है माँ? गुड़। हाँ गुड़ गुड़ गुड़, रोज रोटी गुड़। जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। अगर मेरा बस चले तो मैं तुझे रोज मलाई खिलाऊं। अच्छा बाबा, गुड़ पसंद नहीं तो ये ले दही ले। ये ले कन ला। बेटा जल्दी आना। हाँ माँ, ठीक आया। ए खोईदा, अच्छा मेरा सुझे दिल पड़ी तो मुझे कुछ न देना। अच्छा नहीं हटती हूँ, नहीं हटेगी। नंदू के बच्चे जान मत की गिरा दिया मुझे, मैं भी जाके चाची से कहती हूँ। हाँ हाँ, कह देना चाची से। चाची से हटके भाइयो, हटके हटके भाइयो। ओ बच्चे साए, आज किसके जितने मार रहे हैं? जिसके मिल गए वही अपने यार। सलीमा देखने भर के लिए तो पैसे मिल ही जाएंगे। अबे बगीचे, किसी दिन धार लिया गया ना तो बहुत पिटेगा, समझे? पिटेगा। अरे इसको दे के देता हूँ। ले जल्दी। बात मत कर खैराती, ये अच्छा नहीं होगा। अबे अच्छा क्या नहीं होगा, इससे से बच्चे पे रौब जाता है। अरे हमसे बात करके दे। खैराती मैं कह देता हूँ ये बात बढ़ जाएगी। अबे तो कहता है धौंस खाता हूँ, ऐसे ही तो नीचे आओ, दो चार साथी को बुला ले। ये बात है बिल्कुल, ये बात हो जाए। तू पापड़ गिनता ही रहेगा कि और भी कुछ लेगा? सरदार जी, एक आने का दही, दही का मलाई ज्यादा। वाह पुत्रा, तेरा भी जवाब नहीं। इससे पहले तुझे कभी नहीं देखा। इससे पहले मैं ठीक हूँ, मैं तो अंबाला से आई हूँ अपने मामा के पास। ओ क्या नाम है तेरा? कमली। कमली, बड़ा प्यारा नाम है। मेरा नाम नंदू है। अच्छा नाम है ना। और वाह पुत्रा दही। चलो हाँ, धीरे धीरे धीरे। हाँ देख, ये है मेरा घर। तू इधर रोज आती है? हाँ। कल ना मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा। अच्छा मैं जाऊँ? जाएगी? हाँ बड़ी देर हो गई है, मामा बिगड़ेंगे। अच्छा जा, जाना दही। अरे हाँ ये ले, संभल के जाना। कमली गर्लफ्रेंड? क्या तेरी कोमाई हो गई? अरे 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 मुनीम जी, मुद्दल 500 रुपए और सूद अभी तक 1000 ही रुपया चढ़ा है। कमली 2 पैसे वापस कर। 2 पैसे? हाँ हाँ 2 पैसे। पर मामा जी, मैं तो एक आने का दही ले आई। एक आने का दही ले आई? पर मैंने तो तुझसे 2 पैसे का लाने कहा था, एक आने क्यों लाई? चली जाए इसे। जब 2 पैसे का दही लाने को कहा था तो एक आने का क्यों लाई? बोल तुम इसे डांट क्यों रही हूँ? भाभी 2 पैसे के बजाय एक आने का दही ले आई, भैया बिगड़ रहे हैं।
की तो बिगाड़ने की आदत ही है। आओ बेटी। पर रानी तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? मामी जानती हो आज क्या हुआ था? क्या हुआ था बता, क्या हुआ था? कुछ नहीं माँ। कुछ नहीं तो ये सब क्या है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि लड़ाई झगड़े में मत पड़ा कर। मैंने कुछ नहीं किया माँ, वो तो खैराती चाचा मोटे पहलवान से लड़ पड़े, मैं तो मुफ्त में फंस गया। ये खैराती भी बहुत परफुर्जे निकाल रहा है, आने दो उसे, ऐसी खबर लूंगी कि याद करेगा। दही लाया? दही? दही तो बिल्कुल भूल गया। और प्याला कहाँ फेंका है? प्याला? प्याला हाँ माँ, वो तो खैराती चाचा के घर रह गया, मैं अभी लाता हूँ। अरे कमली कहाँ जा रही है? पारू चाची के यहाँ जा रही है। मेरी सहपाल है, झूला झूले चले। अभी नहीं फरीदा, मम्मी ने कहा जल्दी आ जाना, तो दोपहर को आएगी, बागीचे चले, बहुत सारे बेट तोड़ी। हाँ जरूर आना, मैं तेरी राह देखूंगी। अच्छा चाचा, चाचा अरे ये क्या हुआ चाचा? और नंदू तू बड़ा ही फितना, खुद लड़ाई शुरू करा के भाग खड़ा हुआ है। कौन कहता है मैं तुमको मुसीबत में छोड़ के भाग खड़ा होता? ओ पुत्रा कानू उल्लू न बना, तेरा तो दूर दूर पता नहीं था। और करतार सिंह की लाठी किसने छीनी? अगर मैं वहाँ न होता चाचा, तो तुम्हारा ये सर है ना, इसके दो सर हो जाते। चाचा जान पड़ता है, बहुत मार खाई है। तुम मारने वाला बंदा पैदा नहीं हुआ, ये बात कही। छोड़ छोड़, हट जा, हट हट नंदू, हट जा। चाचा क्या बहुत तकलीफ है? बहुत तकलीफ है पुत्रा, जोर जोर घाव बना हुआ है। तो जल्दी से एक दवाई निकालो, ऐसा मना लाता हूँ कि लगा तो आराम हो जाएगा। और चाचा को पट्टी पकड़ा था, अरे ये दोनों तुझे दे दी, हफ्तों नजर नहीं आएगा। झूठ बोलता हूँ चाचा, तो तुम्हारा दर्द और भी बढ़ जाएगा। मेरी जान के पीछे उड़ गया, ले दोनों ले। ओए 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 चल दफा, ये प्याला ले जाता हूँ चाचा। ले जाओ खोपड़ी लेकर, चल दफा। मामी कमली कहाँ है? मामी कमली स्टेशन गई है बेटा, अभी अभी जो गाड़ी जाने वाली है उसी से माँ बेटी अंबाले जा रही है। क्यों? कमली के पिता बीमार, उन्होंने बुलवा भेजा। तागा टूट गया, आज न जाने इस मशीन को क्या हो गया। नंदू, अरे ओ नंदू, नंदू अरे ओ नंदू, नंदू मैं भी आया। देखते नहीं मेरे हाथ भरे? अरे छुपा लो ना जल्दी से। वो क्या मुसीबत है? कहाँ था रे? घंटे भर से तुझे आवाज दे रही हूँ। वाह माँ, मैं तो दो घंटे से यहीं था। छूटा कहीं का, मैं कहती हूँ ऊंट जैसा ऊंचा हो गया है, अब कुछ काम काज भी करेगा या यूं ही हंसी खेल में जिंदगी बिता देगा? हंसी खेल का वक्त ही कहाँ है माँ, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे सुन तो, अभी फुर्सत नहीं माँ। ला दे। क्यों? माँ को पट्टी पढ़ाया ना, आज मैं चाची से जरूर कहूंगी तू कहाँ जाता है। क्या कहा? माँ से कहेगी? फेंको पानी में। नहीं कहूंगी पापा, छोड़ दे मुझे। मांग माफी। मांगती हूँ पापा, मांगती हूँ, छोड़ तो सही। चल छोड़ा। नहीं मांगती, जा। नंदू के दूर गिरधारी का मुर्गा बहुत तैयार है। हाँ हाँ अभी देखे लेते हैं, नंदू के नूरी से मुकाबला आसान नहीं है। गिरधारी तैयार है? अरे ऐसा वैसा तैयार हूँ,
क्यों नंदू पक्की? अरे हाँ पक्की यार, सुना ने पक्की। चल आम उधार इच्छा तो ले फिर। आप उधर चल रहा
पांच लस्सी के ग्लासों से क्या होता है, फटा पी के बखा तब जाना का सलून है। तनु कैसे चोरी पता है चोरी कैसी टांगे वाले अरे तेरा घोड़ा अकेले टांगे वाला तू तेरे बाप की सड़क है चुप कर तू कौन से राजा का पुत्र है जानता है कौन हूँ अरे जा तेरे कैसे बाप देखे तो आ नीचे उतरा एक हट इन लोगों के मुंह न लगो टांगा मोड़ो और दूसरे रास्ते से ले चलो अच्छा पुत्र चलो फिर देखना है जा बड़े आए देखने वाले गुंडा कैसा क्या कहा यार मुझे लफंगा कहती है हट यार थोड़ी नाल मुंह लगता है चले फिर थोड़ी नाल एक नाल भैया जीती रहो अब मेरा कोई नहीं रहा भैया कोई नहीं ऐसा न कह गीता मैं अभी जिंदा हूँ तुझे किसी बात की तकलीफ नहीं होने दूंगा कमली मानी अरे मैं तुझ पे वारी जाऊं कितनी बड़ी हो गई है मेरी रानी बड़ी राह दिखाई तुमने लेकिन तुम लोग इस गाड़ी से कैसे आई मम्मी हमने जिस गाड़ी से आने का तार दिया था उसमें इतने सिपाही भरे थे कि तेरे घरने को जगह नहीं बड़ा अच्छा किया जो उस गाड़ी से नहीं है मैं कहता हूँ सब बातें यहीं करोगी या अंदर भी चलोगी चलो आओ गीता चलो गीता ये बस संभाल के लाई हूँ ना हाँ भैया ये रखे मैं तो डर गई क्या है क्या क्या लाया हूँ ये तो रही शॉल और ये ऐसे नहीं पहले आंखें बंद करो आंखें बंद करो हाँ अरे वाह कितनी अच्छी लगती है तुम पर कैसा साफ साफ दिखाई देता है नंदू तू तो और भी सुंदर नजर आने लगा लाल और ये देखो तो पहले हाथ खोलो और ये ले हार कैसे छुड़ा रहा नकदी देकर माँ हजारी माल ने कोई एहसान नहीं किया हाँ तेरे लाखों बरस की उम्र हो बेटा लेकिन नन्नू इतना रुपया तू कहाँ से लाए माँ आज मुर्गों की लड़ाई में मैंने बहुत लंबा हाथ मारा क्या कहा तू जुआ खेलता है ये सब जुए के पैसे से लाया है जुआ कौन खेलता है माँ वो तो बराबर का मुकाबला था तू मुझे बेवकूफ समझता है आज मुर्गों की बाजी का बहाना है कल ताश और कौड़ियों का जुआ सीखेगा साल दो साल में चोरी डकैती भी करने लगेगा तुम बेकार बिगड़ रही हो माँ बिल्कुल गलत समझ रही हो जरा ठंडे दिल से सोचो बराती चाचा घोड़ा चला के पैसा कमाते हैं तुम खुद दिन भर मशीन चलाती हो तो शाम को दाल रोटी के पैसे निकलते हैं और अगर मैंने अपना मुर्गा लड़ा के चार पैसे कमा लिए तो कौन सा पाप किया तू कुछ भी कहे नंदू ये शरीफों के काम नहीं मैं तो समझती थी तू जवान होकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा किसी अच्छी नौकरी पे लग जाएगा लेकिन तेरे ये लक्षण देखकर आज मुझे बड़ा दुख मुझे यकीन हो गया कि तू गलत रास्ते पर पड़ गया जुए के पैसे से खरीदी हुई चीजें मुझे नहीं दी मैंने छूना भी नहीं था माँ माँ क्या है मैं वादा करता हूँ माँ अब मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा कभी नहीं वादा करता है मैं सौगंध खाता हूँ माँ लाल ये कह के तूने मेरे कदमों में खजाना रख दिया अब जल्दी से रोटी खा ले नहीं नहीं अगर बापू को पता चला तो जान ही ले लेगी अरे बापू को पता ही क्यों चलने लगा शाम होने के पहले लौट आएंगे पिछली बार भी तुमने यही कहा था मैं इन चक्करों में नहीं आना आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी तुम मेरे होते कौन हो अभी तुम्हारे साथ नहीं होता लेकिन कुछ दिनों में तो हो जाऊंगा इतना ना पता ले लूं ओ चाचा सत्यानाश हो क्या है तेरा मंदिर जा रहा हूँ उन्हें टांगा मत ले जाओ वो सार करने नहीं जाएगी उन्हें तुरंत दो टांगा ले ओए ओए
मजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरज्ञान गोति सनीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालुम गुणागार गुणारूपारम नतोऽहम् अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम सारे जूते दादा के ऐसा फूल पकड़ा गया तो बेफालत पड़ेगी। और सुनो फिर कभी इधर आया तो मार खाएगा समझा। हाजी ने खरीदे थे अब घर वाली जिंदा नहीं छोड़ेगी। होश में रहो होश में। चोर होता तो तुम्हारे पास आता। ये सब तुम्हारे लिए चोर से बचा के लाया हूँ। किसमें होगी देख लो। ओ, तुम मैं नहीं जानती थी कि तुमको ये उन्ने भी आता है। ए मेम साहब अपनी खाल में रहो। जानती हो किससे बातें कर रही हो। चोर से। क्या कहा सुना नहीं। चोर से लफंगा कहीं का। ओए सदके जावा फिर क्या एक बार बदतमीज। हाय मर जावा रस्सी की के। तुम ऐसे आदमी को तो पुलिस को दे दे। 100 बार दे दो मैम साहब। लेकिन एक बात कहूँ उससे मैं तुम और भी सुंदर मालूम हो। अरे मेरी दूसरी जूते कहाँ है। मैं बताऊँ दूसरी घर में ही रह गई होगी। क्या पता मेरा खोता है नंदू का पुत्र। आओ बीबी जी कहना तैयार है। चलो गुंडा कहीं का। गुंडा कौन गुंडा बीबी जी। वो एक तो जूते चुराता है ऊपर से जबान लड़ाता है। ओ वो तो नंदू है नंदू बीबी जी। कौन। अरे नंदू मारो भाभी का पुत्र। वो चोर नहीं है हाँ शरारती जरूर है। सारे शहर को सर पे उठाए फिरता है लेकिन आदमी बहुत चंगा एकदम गिरा है गिरा। किधर चलो बीबी जी किधर चलो। लाला जी की क्या पता। पुलिस को लेके आई हो क्या। पारे चाची है। नहीं है मुझे उनसे काम है ये शलवार सिलवानी है। वो शाम को आएंगे। सुनो तुम चले कहाँ। कह तो दिया शाम को आना। सीधे मुंह बात तो करो। क्या तुम ग्राहकों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हो। हाँ तुम ऐसों के साथ ऐसा ही बर्ताव करता हूँ। तुम्हें कुछ कहना है। हाँ कहना है। पारू चाची आए तो कहना कमली आई थी।
कमली आई थी। ऐसी कमलियां हर रोज आती हैं। तुम नंदू हो ना? क्यों, तुम्हें कोई शक है? तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं क्यों पहचानू? मैं कमली हूँ नंदू। वो बचपन का जमाना, तुमने मुझे टांगे से बचाया था, मुझे दही खरीद कर दिया था, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? बात असल ये है कि बचपन में मैं पहाड़ से गिर गया था, जान तो बच गई लेकिन पुरानी बातें बिल्कुल भूल गया। अच्छा, चाची आए तो कह देना मैं आई थी। ए कुड़िये, गन सुन। तेरी कुड़माई हो गई। ए गुड़िये, आज तो भाग गई, होली के दिन देख लूंगा। थी मुझसे, अब कैसे दौड़ी दौड़ी आई? मेरा कंगन कंगन
कैसा कंगन? मेरे पास नहीं। झूठ मत बोलो, मेरा कंगन दे दो। तेरा मतलब इससे तो नहीं? हाँ, दे दो ना। एक शर्त पर। कैसी शर्त? वादा करके कल सवेरे तालाब पर मिलेगी। नहीं करती, जा। तो मैं भी नहीं देता, जा हवा खा। मुझे सता ना, मेरा कंगन दे दो। पहले वादा कर। अच्छा बाबा, वादा करती हूँ, ला कंगन। खा मेरी जान की कसम। मेरी जान की कसम? अपनी नहीं, मेरी जान की कसम। अच्छा। क्या अच्छा? तेरी जान की कसम। मर गई। क्या हुआ? चाची अभी परिधान छीनना शुरू कर दिया। चल बैठ। फरीदा, खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं चाची। हाँ, मालूम होता है रंग खेलने से जुकाम हो गया है। हाँ चाची, ऐसे ही कुछ हो गया, लेकिन आना भी तो जरूरी था। क्या बात है? अम्मी जी ने कैंची मंगवाई है। कैंची? कैंची तो शायद नंदू के कमरे में है। चाची नहीं, नहीं नहीं चाची, पहले मैं जान से चल के मिल लीजिए, उन्होंने आपको बुलवाया है। लेकिन कैंची भी तो ले लेंगे। नहीं नहीं चाची, पहले मैं जान से चल के मिल लीजिए, कैंची तो आती रहेगी। है फरीदा, तुझे हो क्या गया है? कैंची क्या खुद चल कर आएगी? तुझे कहीं बुखार उखार तो नहीं हुआ? बुखार? बुखार अभी तक तो नहीं है चाची, लेकिन थोड़ी देर में बड़ी जोर से आने वाला है। पगली। नंदू, तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं। फरीदा, तू क्या ढूंढ रही है? कैंची, कैंची ढूंढ रही हूँ चाची। अरे तुझे हो क्या गया है? कैंची वहाँ कैसे होगी? कैंची तो इस संदूक में है। कैंची किस लिए चाहिए माँ? फरीदा के माँ ने मंगवाई है। लेकिन माँ, कैंची तो तुम्हारे कमरे में है। अरे नहीं, मुझे याद है मैं यहीं रख के गई थी। नहीं माँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। चलो मैं देता हूँ। कुछ नहीं माँ। कमली, रास्ता साफ है, निकल चले जल्दी। क्या बात है फरीदा, ये दबे पांव चोरों की तरह दोनों कहाँ जा रही है? कैंची नहीं खिला दी चाचा। मैंने कैंची थी कि कैंची तेरे ही कमरे में होगी। अरे ये लड़की कौन है? ये कमली है चाची। कमली? लारा जी की भांजी तो नहीं? हाँ चाची, वही मुझसे मिलने मेरे घर गई थी, वहाँ पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो यहाँ आ गई। बहुत अच्छे। अरे फरीदा, तू इस घर में कब से रहने लग गई? क्या मतलब? मैंने तो देखा तुम दोनों अंदर से बाहर आ रही हो। अरे खैराती, तू कोई भम तो चढ़ा के नहीं आया? मैं खुद फरीदा को यहाँ के लिए छोड़ के गई हूँ, इसलिए मैं कमली ढूंढती हुई आ गई होगी। बेटी, तूने मुझे पहचाना? हाँ चाची, बिना मैं आपको नहीं पहचानूंगी। मैंने पहले तुझे नहीं पहचाना, कितनी बड़ी हो गई। अरे नंदू, बाहर तो आ, देख कौन आया है। माँ। अरे देख, कमली आई है। कमली? कमली कौन माँ? लो और सुनो, कमली को नहीं पहचानता? अरे लाला जी की भांजी, तेरे बचपन की साथी। ओ, वो भोंडी नाग वाली लड़की जो दही गिर जाने पर रोने लगी थी। तो मैंने जवाब नहीं पुत्रा, पूछता जैसे कुछ। आज रविदा की दावत है, चलेगी भतीजे, खूब चलेगी, चल बैठो। नंदू के बात का बुरा न मानना बेटी, उसकी तो रग रग में शरारत भरी हुई है। खैर फरीदा, मैं अभी कैंची लेकर आती हूँ। Thank you.
जंग फिर शुरू होगा। चीजें महंगी होती चली जा रही हैं और रुपए की कीमत घट रही। अब आप ही बताइए रामलाल जी, धंधे में नुकसान नहीं होगा तो और क्या होगा? आप ठीक कह रहे लाला जी, हालात कुछ अच्छे नहीं मालूम होते। इसीलिए तो चाहता हूँ कि आपके जरिए कुछ अच्छी रकम मिल जाए तो मैं भी थोड़ा बहुत सामान खरीद कर डाल दूं। क्यों नहीं क्यों नहीं अजी साहब, इस लड़ाई से तो फकीर साहूकार बन गए, फिर आपका तो चलता हुआ धंधा है। आपको पैसा दिलवाना क्या मुश्किल है? तो फिर रामलाल जी, आप जल्दी से कोई बड़ा आसामी ढूंढिए और मेरा काम करवा दीजिए। कोशिश करना मेरा काम है। भगवान झूठ न बुलवाए, पिछले 20 वर्षों में लाखों का हेर फेर करवा चुका हूँ और किसी एक को भी शिकायत नहीं हुई। यही देख करके तो मैंने आपको बुलवाया है। रही दलाली, मामला पक्का होते ही रकम आपके हाथों में रख दूंगा। लाला जी जी, ये बालिका कौन है? ये मेरी भांजी कमली। बहुत ही सुंदर है लाला जी, आप बड़े ही भाग्यवान है। काहे के भाग्यवान है, एक तो लड़ाई का जमाना, दूसरे इसकी शादी की भी तो चिंता है। इसकी चिंता आप मत कीजिए, सुनिए। अरे कमली, क्या है? मुझे माफ कर दे कमली, मैं जानता हूँ तू मुझसे बहुत नाराज है। मैं क्यों नाराज होने लगी? उस दिन तालाब पर तू मेरी राह देख रही थी ना? बिल्कुल गलत, मैं तो वहाँ गई भी नहीं। अच्छा बाबा तू नहीं गई, लेकिन बात ये हुई कि जब मैं तुझसे मिलने के लिए आ रहा था तो देखा माँ बुखार में कांप रही थी। चाची बीमार है? हाँ बीमार थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। देख उसी की तरफ से प्रसाद जाने जा रहा हूँ। ए चली कहाँ? कल सुन। क्या है? देख कमली, तुझसे बहुत सी बातें करनी है, कल सवेरे तालाब पर मिलेगी। मुझे फुर्सत नहीं। अजीब लड़की है, अरे तुझसे माफी मांग ली फिर भी वो बुलाए हुए है। कह तो दिया मुझे फुर्सत नहीं है। बड़ी आई, फुर्सत नहीं, मुझे भी फुर्सत नहीं, मत आना। रिम रिम के ये प्यारे प्यारे गीत।
आंखों में सपनों की बारात झूमे। दिल की ये दुनिया आज बादलों के साथ झूमे। आहा रिम रिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। गीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या सुनो तो जरा सिंगर बोले थे कि मीठी सी थी मीठी रिम रिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। रिम रिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। गीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या सुनो तो जरा सिंगर बोले थे कि मीठी सी थी मीठी रिम रिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे दिल से जो निकली है वो बात रहे। हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे दिल से जो निकली है वो बात रहे। मेरा तुम्हारा सारी जिंदगी का साथ रहे। आहा रिम रिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए रात सुहानी देखो प्रीत लिए। गीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या सुनो तो जरा सिंगर बोले थी थी मीठी थी थी मीठी रिम रिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। आज बैसाखी का त्योहार है ना, मंदिर से लौटते वक्त मैंने सोचा तुम लोगों के लिए मिठाई देता चलो। लो भाभी मिठाई खाओ। अरे हटो भी, पहले कमली को तो दो। कमली लो बेटी, तुम्हारे मामा मिठाई लाए हैं तुम्हारे लिए। सिर्फ दो लो, एक और लो। तीन तो अशुभ होते, मैं एक और दो। अच्छा एक और ले। पर तुम जा कहाँ रही हो रानी? मैं फरीदा के यहाँ जा रही हूँ, उसके साथ मेला देखने जाऊंगे। हाँ जल्दी आना। अकेले घूम रही है, हम अंदर चक्कर खा रहा। भाई साहब जूती। अरे पैसा ले ले मेरे प्यार की निशानी मेरी ईड। अरे ले भाई साहब जूते दो। अरे
नतीजे से ढूंढ रहा हूँ, चल। और फरीदा? फरीदा आती रहेगी, आओ चले। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें शिकायत किस बात की। सुबेदार साहब के घराने के बारे में रामलाल जी से ही नहीं, मैंने खुद भी अच्छी तरह से छानबीन की है। बड़े शरीफ लोग हैं, पैसे वाले भी हैं, और रहा लड़का, वो फौज में मुलाजिम है, ओहदा भी अच्छा है, तनख्वाह भी अच्छी पाता है। आजकल तो माँ बाप लड़की की मर्जी पहले पूछते हैं। पूछते होंगे वो जिन्हें भले बुरे की तमीज नहीं। मैंने बहुत सोच समझ कर लड़की के लिए घराना चुना है, मैं उसकी मर्जी हरगिज नहीं पूछूंगा। मैं ये जानता हूँ लड़की ससुराल में राज करेगी, जिंदगी भर सोना चांदी पे खेले। लेकिन मेरी अगर... तुम्हारी मोटी अकल से काम लूं तो मुझे पागल खाने ही जाना पड़े। मैं कहता हूं मेरे मामला में दखल न दिया कर। कमली, कल सुन। क्या है? बात नहीं करना चाहता। नंदू, क्या है? एक बात कहूँ, तू तो गुस्से में और भी सुंदर मालूम होता है, और फिर ये पोशाक, ओए, सबके जावा। तू फिर इस तरह अदाएं तो नहीं दिखाएगी, मुझे सताएगी तो नहीं? हैं? सताएगी? कभी नहीं। और आज के बाद मुझसे दूर दूर तू नहीं रहेगी? मैं तुझसे कभी दूर नहीं थी नंदू, कभी नहीं। कमली, तू सच कहती है? मेरी समझ में नहीं आता मुझे क्या हो गया। जब मैं तेरे पास रहती हूँ तो जी चाहता है बस तेरे ही पास रहूं, जब तुझसे दूर होती हूँ तो क्या जी चाहता है? तेरे पास और किसे दिया हूँ? ओए, जिया कुछ है तो दिल खुश करते ही साड़ा। ओहो, तुम्हारे शादी करेगी? ओ बलसाती शर्माती आजा,
लहरों सी लहराती आ जाओ कुड़ी ओ कुड़ी ओ बलखाती शर्माती आ जा आजा 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 दुपट्टा खानी ओढ़ के गली के हर मोड़ पे हंसे वो मुख मोड़ मोड़ के दुपट्टा धानी ओढ़ के गली के हर मोड़ पे हंसे वो मुख मोड़ मोड़ के निगाहों में कटार है के जीना दुश्वार है भाई दिल को रख दे मरोड़ के निगाहों में कटार है के जीना दुश्वार है वो दिल को रख दे मरोड़ के कहता जाऊं प्यार है तो है तो ये बहार है चली न जाना दिल तोड़ के मैं कहता जाऊं प्यार है तो ये बहार है चली न जाना दिल तोड़ के ओ बलखाती शर्माती आ जा लहरों सी लहराती आ जाओ कुड़ी ओ कुड़ी खाती शर्माती आजा 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 दुपट्टा धानी ओढ़ के गली के हर मोड़ पे हंसे वो मुख मोड़ मोड़ के निगाहों में कटार है कि जीना दुश्वार है वो दिल को रख दे मरोड़ के तेरा ताबेदार है जो इससे भी इंकार है मैं चल दूंगा शहर छोड़ के तेरा ताबेदार है जो इससे भी इंकार है मैं चल दूंगा शहर छोड़ के बलखाती शर्माती आ जा लहरों सी लहराती आ जाओ कुड़ी ओ कुड़ी ओ शक्के खाती शर्माती आजा 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 दुपट्टा धानी ओढ़ के गली के हर मोड़ पे हंसे वो मुख मोड़ मोड़ के निगाहों में कटार है कि जीना दुश्वार है वो दिल को रख दे मरोड़ के वैसे तो त्योहार का दिन है हर तरफ रंगलियां मनाई जा रही है अगर कमली भी वहां थी तो कोई हर्ज की बात नहीं लेकिन बेचारी बच्ची है मामले की नजाकत तो समझ नहीं सकती बात यह है लाला जी जब सूबेदार साहब के घराने में रिश्ता तय हो चुका तो मैं ये नहीं चाहता ऐसी कोई भी बात उनके कानों में उड़ती उड़ती भी पड़े आप बिल्कुल ठीक कहते हैं रामलाल जी आइंदा आपको कोई शिकायत नहीं होगी मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा आपने बुरा तो नहीं माना नहीं 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 इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है मैं तो खुश हुआ कि आपने उसे अपनी बच्ची समझती है राय जी अच्छा तो फिर मुझे इजाजत दीजिए रामलाल जी सब कैसे आए थे शिकायत करने आए थे किसकी कमली की उन्होंने तुम्हारी लाडली को लड़कियों के साथ नाचते देखा है तो ऐसा कौन सा गजब हो गया
त्योहार का दिन है, सहेलियां पकड़ ले गई। तुम उसकी तरफदारी किए जाना, ये कभी न सोचना कि उसकी बात। कहाँ गई थी तू? बोल, पैरों में नाच से तुझे शर्म नहीं आती? आप तो बात का बतंगड़ बना देती। आप जाइए, मैं उसे समझा दूँ। कान खोल कर सुन ले कमली, आज से घर के बाहर कदम न निकले, समझ गई? फिर कोई शिकायत आई तो अच्छा ना होगा। इतनी बड़ी हो गई लेकिन असल नहीं आई। मैं पूछती हूँ, खानदान की इज्जत का भी ख्याल है तुझे? तुम अपनी लक्चरबाजी बंद करो बेटा। कमली रानी, मामा तुम्हारी भलाई चाहते हैं, इसीलिए उन्हें बुरा लगा। और अब से तुम बड़ी हो गई हो, दुनिया के तौर तरीके तो बरतने ही पड़ेंगे बेटी। तुम्हारे पास एक टागा है, रुपए दो रुपए रोज की आमदनी भी है। और दादाजी, और जल्दी नसीब लाओ छेती छेती। रामलाल, मुझे ज्यादा जोर से दुआ, मैं तो मैं इसी बार शादी कर लूंगा। क्या हम टागा ही कितने बेचना पड़ेगा? और सासिका का सासिका, सासिका पास आओ। बना लस्सी का गिलास आड़े वास्ते। बेटा पर मांझी पियो। और नंदू, अब पुत्रा बहुत खुश नजर आता है। और आज मैं बड़ा खुश हूँ चाचा, मानो आसमान के चांद सितारे मेरी झोली में उतर आए। ये पारो का पुत्र है ना? ओए नंदू, बड़ा दिल वाला जवान है लेकिन है बिल्कुल अपनी तरह पक्का। चाचा क्या काम करते हो? काम? हाँ, कुछ नहीं यार, लसीदा गिलास यार। बेकार हो तुम, ऐसा लंबा तगड़ा आदमी और बेकार फिरे। वैसे तो हट्टे कट्टे नजर आते हो, निडर भी हो, फौज में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? फौज में? हाँ, फौज में भर्ती हो गए तो जिंदगी बन जाएगी। क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, नहीं, नहीं, मैंने कब कहा कि फौज में भर्ती हो जाओ? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। सारा काम खराब कर दिया। कैसा ना चाचा, मेरी शादी हो रही। शादी? और सदके जोड़ा चाचा, तेरे तेरी शादी करवाऊंगा। तो गिलास छेती छेती बनाओ। मेले गया था? हाँ माँ, बड़ा मजा आया। माँ तुमने कई बार कहा कि घर सुना सुना लगता है, मैंने इस बात पर बहुत गौर किया, घर वाकई सुना लगता है। नंदू राजा, मालूम होता है बहू पसंद कर ली तूने। हाँ माँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे कैसे न पता चलता, बेटे के दिल की बात माँ नहीं जानेगी तो और कौन जानेगा? बेटे बता कौन है? वही माँ, वही भूली नाक वाली लड़की जो दही घर जाने पर रोने लगी। कमली। हाँ माँ। बड़ा अच्छा जोड़ा रहेगा। ओ मैं पागल, मेरा मनुआ पागल माँ। लेकिन लेकिन कुछ नहीं माँ, तुम जाके लाला जी से बात कर डालो, मैं अभी पंडित से शुभ दिन निकलवा के आता हूँ। हमरे कर दीवाने, इतनी भी जल्दी क्या है? शुभ काम का मुहूर्त रात को नहीं निकलवाते। मैं कल सुबह लाला जी से बात पक्की कराऊं, फिर हम दोनों पंडित के यहाँ चलेंगे। अच्छा माँ। आप ठीक कह रहे हैं लाला जी, मैं जानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं कमरे को बेटी से ज्यादा अजीज रखूंगी। वो मेरे घर में राज करेगी। राज करेगी उस टूटी हुई कुटिया में, फटी पुरानी दरियों और चटाइयों पर, और रानी कहलाएगी उस नाकारे की जिसने आज तक अपनी मेहनत से एक पैसा पैदा नहीं किया। मैं पूछता हूँ, अगर कमली तुम्हारी लड़की होती तो क्या तुम उसे नंदू ऐसे लफंगे के हवाले कर देती? लाला जी, आपकी नजरों में लफंगा होगा लेकिन नंदू मेरा बेटा है। खामोश, पलट कर जवाब देती है। तेरी हिम्मत कैसी पड़ी कि तू मेरे पास पांच लेकर आई? चल जा यहाँ से, वरना नौकर से ठग के दिलवा के बाहर निकलवा दूंगा। क्या हुआ माँ?
आखिर बात क्या है? मैं भी तो कुछ सुनूं। क्या सुनना चाहता है कि तेरी माँ के साथ क्या सलूक हुआ, उसके मुंह पर किस तरह तमाचे मारे गए, कैसा कैसा जरे किया गया। माँ तुम क्या कह रही हो, आखिर ये सब किस लिए? इसलिए कि मेरा बेटा नाकार है, उसने आज तक अपनी मेहनत से पैसा नहीं पैदा किया, जिसे मैं अपने आप का तारा समझती हूँ, वो शहर से मेरे दफन का पशु है। किस्मत कैसे कैसे तमाचे दिखाती है, माँ बाप अपने औलाद को किन उम्मीदों से पालते हैं, क्या क्या मुसीबतें उठा के उनको परवान चढ़ाते हैं, कैसे कैसे सुंदर सपने देखते हैं। मेरा बेटा जवान पढ़ लिखकर अफसर बनेगा, मेरे बुढ़ापे में मुझे सहारा देगा। मैंने भी अपने बेटे के लिए एक सपना देखा था, लेकिन आज उसको चली होना पड़ा। नाराज हो गया लाल? नहीं माँ। मुझे नौकरी मिल गई, मैं बाहर जा रहा हूं। बाहर जा रहा है मुझे छोड़ के? मजबूरी है माँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं तुझे नौकरी करने की, मैं अभी जिंदा हूँ, मेहनत मजदूरी करके तुझे खिला सकती हूँ। यही तो मैं नहीं चाहता माँ। मैं जानती हूँ कि मैंने तेरा दिल दुखाया है, उससे मैंने जाने क्या क्या बक गई, मुझे माफ कर दे चलना। माँ ये कह के मुझे गुनाहगार न करो, तुम्हारे चरणों में तो मेरा स्वर्ग है। तो वादा कर कि मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, कर वादा। मैंने तय कर लिया है माँ, मैं जाऊंगा। लेकिन क्यों, मेरी बातों का इतना बुरा मान गए? नहीं माँ, तुमने तो वो सब कह के मेरे साथ बड़ी भलाई की, मेरी आंखें खुल गई। अब मैं भी कुछ बनना चाहता हूं, ताकि एक दिन दूसरों के सामने तुम गर्व से सर उठा सको। न जा मेरे लाल, न जा, मैं तुझसे अलग रहकर जिंदा नहीं रह सकती, मुझे छोड़कर न जा, छोड़कर। परेशान ना हो मां, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। चंदा चल कमली, जाने से पहले एक बार मिल तो ले। किस मुंह से जाऊं उसके पास, मामा जी ने जो बुरा बर्ताव चाची के साथ किया, उसके बाद नंदू मेरे बारे में क्या सोचेगा? उसके दिल में तेरी तरफ से कभी मैल नहीं आ सकता। तू चल तो सही। अरे चल ली। कमली कहाँ चली, चल अंदर चल। Thank you.
नहीं जाती। वो समझती कि तुझसे नाराज होके जा रहा है। तुझसे नाराज तो नहीं है नंदू? मैं कौन होता हूँ उसे नाराज होने वाला? अल्लाह के लिए कहकर उसके दुखे दिल को ना तो, वो तुझे बहुत चाहती है, तुझे अपना सब कुछ समझती है, वो अगर जिंदा है तो तेरे लिए। फरीदा? हाँ मैं सच कहती हूँ नंदू, कुछ भी हो जाए वो तेरा इंतजार करेगी। अल्लाह करे तो जल्दी वापस आ जाए और बहुत सारे रुपए लेके आए और उस लाची मामा के मुंह पर सोने का ताला डाल दे। फरीदा ये कह के तूने मेरी हिम्मत बढ़ा दी, मैं वापस आऊंगा और जल्दी वापस आऊंगा।
आज तेरी सगाई होने वाली है बेटा। देखिए, मैंने सुना है जो रिश्ता मैंने तय किया है वो शायद तुझे पसंद रहे। बेटी, मैंने तुझे अपनी औलाद की तरह पाला है, हमेशा तेरी खुशी का ख्याल किया है और आज भी तेरी ही खुशी चाहता हूं। अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं तो ठीक है, मैं साफ इनकार किए देता हूं। मैंने तो रिश्ता ये सोचकर तय किया था कि तेरी जिंदगी बन जाएगी और साथ ही साथ तेरे पिता का और थोड़ा बहुत जो तेरा कर्ज है वो भी उतर जाएगा। मगर तू मेरी बिल्कुल परवाह न कर, घर ही नीलाम हो जाएगा ना। जब इज्जत ही नहीं रहेगी तो घर रख के भी क्या करूंगा, मगर तेरी खुशी तो पूरी हो जाएगी। मैं तो तुझे बस खुश देखना चाहता हूँ, इसके लिए चाहे मुझे आत्महत्या ही क्यों न करना पड़े। मामा जी, मैंने सबको साफ साफ बता दिया, आगे तुम खुद समझदार। मैं तुझ पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालना चाहता, अब फैसला तेरे हाथ में है। से आप लोगों ने बहुत मेहनत से सिखलाई की है, आज से आप 21 दिन की छुट्टी पे हैं। जिन लोगों ने अपने घर जाना है वो अपने घर जा सकते हैं। नहीं चलेगा? छोड़ यार, तेरा बाप कौन है जिसके लिए मैं जाऊं? तू जा यार, फिर क्या करेगा? मैं तो ऑर्डर लेके रेजिमेंट चला जाऊंगा, छुट्टी वहीं गुजारूंगा, छुट्टियों में खेलूंगा। बोले मेरी जरा कमीज तो देना उधर से। क्यों जी, आप नहीं उठा सकते और तू मेरा यार नहीं? की यार यार हर बारी कहता है ए चुप ओ चुप, और चले छेड़ी कर, गलत चीज है यार। नजायज फायदा उठाना मेरा। अरे अरे वाह, बड़ा बढ़िया चाकू है, मैं रख लू इसे। चल चल खराब था ये चाकू, चाकू तो मेरी जान है जान। और यार असली भी तेरी जान है क्या? हो गया, तू मेरी जान किसी है? तू तो मेरी तान है। कोई बात पापा, क्या तेरी तान है क्या? भाभी तो अरे दीरा हां मैं चलें। चल जा। मैं क्या, वो कल सुबह वापस आएगा ना? आएगा, छूटना नहीं। हां हां हां, मेरे बड़ा झूठा, हर बार ही झूठ कहता है। अच्छा झूठ कह के छुट्टी देके चला जाता है। मुझे देखो, एक बार छुट्टी नहीं ली, लड़ रहा हूं देश के लिए। सही जाऊंगा अच्छा दीरा, अपनी रेजिमेंट में मिलेंगे। चाची ने पहले पहले कहीं हुए और कह देगा यार, ओए ओए जरा भी चाचा को नमस्ते कहना है। ओए ओ नंदू, ओ मैं क्या, ओ पापा, ओ पापा कौन सुन तेरी, ओए कब रहेगी, ओ मैं क्या, ओ नंदू जरा भी नमस्ते नहीं हुए पापा। आ जा आ जा आ जा आ गया हूं है। अरे क्या बात है खैराती, एक बात पूछ दी थी भाभी। पूछो। ए दुनिया अभी तनु सबसे ज्यादा आदीस कौन सी चीज है? लो, ये भी कोई पूछने की बात है? नंदू राजा से ज्यादा मुझे कोई अजीज नहीं। और जब मैं जादू के दोस्त तो नंदू महाराज में खड़ा कर दूं तो? मैं पूछती हूँ, भंगन चढ़ा के तो नहीं आया? जादू के जोर से पहले अपना जादू उतरवा। और कल तो सुनो भाभी, मैं पूछू माँ। नंदू नंदू मेरे राजा, मेरा बेटा। अरे ठाट है तेरे। अरे चल वो तो मेरे भैया, अब तो इंसान मालूम होता है। चाचा क्या है ये ले? क्या किराए के पैसे? तू
तू किराया देना है, पहचान नहीं आती तुझे। अभी तुम कह रहे थे ये इंसान बन गया, मैं कहता हूँ ये अब भी नया जानवर है, और हाँ लाल साहब किराया देता है। चाचा चाचा माफ करना चाचा, माफ करना। और तो खैरियत हुई कि मुझे गुस्सा नहीं आया, देखता है तो मुझे क्या देखता है, मैं सामान उठा ध्यान रख। शाम को अड्डे पे आ जाना। आज तो बड़े अच्छे दिन खड़ा है बेटा, आज दिवाली है। फिर तो बड़ा मजा आएगा माँ, बहुत से पटाखे लाऊंगा, खूब रोशनी करूंगा। लेकिन तो चला कहाँ? माँ बहुत जरूरी काम है, बस गया हुआ है। अरे सुन तो, सुन नंदू। चाची चाची क्या बात है बेटी, नंदू आया क्या? हाँ देखना आते ही चला गया, ये तो बड़ा गजब हो गया, भगवान जाने अब क्या होगा। सलाम। सुनो हाय बाबा, घर छोड़, दादाजी घर में हैं? सब बाहर गए हैं। सब बाहर चले गए? नहीं नहीं कमली भी ऊपर है। अच्छा कमली में ढूंढ आया और तू यहाँ छुपे खड़ी है। देख कमली मैं वापस आ गया, और कितनी जल्दी वापस आ गया। बात क्यों नहीं करती मुंह तो फिर मेरी वर्दी पसंद आई तुझे? कमली मैं बहुत बड़ा आदमी बन के आया हूँ, इतनी मोटी तनख्वाह मिलती है मुझे, अब तुझे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। भाई अब क्या हुआ, नाराज हो गई? ये देख तेरे लिए क्या लाया, बात नहीं करेगी मुझसे? अच्छा तेरी कुड़माई हो गई। Thank you.
कहाँ रह गया थे तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ कि तू आए और पहला दिया मैं तेरे हाथ से जलवाऊं। देख नंदू, सारा घर अंधेरा पड़ा है। अब इसे अंधेरा ही पड़ा रहने दो। बेटा, मैं समझती हूँ तुझे कितना दुख पहुंचा है, तेरे दिल पे क्या कुछ गुजरी है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि इंसान जी जान से हार जाए। इंसान वो तो गम के अंधेरे में गुम हो गया। माँ ऐसी बातें ना कर बेटा, निराश न हो मेरे दार, मैं तेरे लिए इससे भी अच्छी दुल्हन लाऊंगी। दुल्हन मेरे लिए? नंदू तू ठीक रहा है? हाँ माँ, आज मैंने पी है और खूब पी है, ये टूटा हुआ दिल बस ये कहीं टूटा हुआ दिल भी शराब से जुड़ा है? मुझे ये कहते शर्म आती है कि तू मेरा बेटा है। ऐसा ना कहो माँ। ना कहूंगी, तूने मेरे दिल का खून किया है, तू मेरा बेटा नहीं। माँ, माँ, मुझे मार डालो, माँ मुझे मार डालो, लेकिन ये ना कहो, मुझे तो ये दौलत रखी दो माँ, माँ, जीती रहो बेटी, जीती रहो। अरे वाह वाह, बड़ा जोरदार खाना बना रही हो चाची। कितने दिनों में तो आया है मेरा लाल, अब इतना भी न बनाऊं? क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन नंदू कहाँ है? रात गया आया था ना, अभी तक सो रहा था। ना उठाती हूँ। नंदू, ओ नंदू, कब तक सोएगा? अरे उठ, उठ ना। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्या बात है फरीदा? है तू रो क्यों रही? ये खत कैसा? मैं कहाँ पढ़ सकती हूँ? नंदू कहाँ है? नंदू चला गया चाची। उससे मिले हो गए? नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नंदू, 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 ओ ग्रैंग, गाल सुन, मैं नया जवान हूँ, मुझे कहाँ रिपोर्ट करना है? वहाँ पहले कोठे में हवलदार साहब है, उनसे मिल लो। अच्छा। हवलदार साहब। दफ्तर जा रहे कंपनी कमांडर के पोस्ट पर। दफ्तर कहाँ सर? खब्बे हाथ पांचवा कमरा। अच्छा सर। राम सिंह। अरे आओ कुलवंत सिंह। आओ भाई, यार तो क्या तुझे बिल्कुल ही तैयार है यार, तुझे बड़ा बेचैन नजर आना भी छत्तीस जानवर। ऐसी कोई बात नहीं यार, वहां जाके इंतजाम भी तो करना है। और कितने दिन छुट्टी लेती है? बहुत कम दिनों की। आज शाम की कड़ी जा रही है? हाँ, 4 बजे गाड़ी से जा रहा हूँ। अच्छा भाई, गुड लक। अच्छा, अपनी शादी मिठाई मेरे वास्ते ना भूली। जरूर मिठाई जरूर लिया। जरूर जरूर लाऊ। अच्छा, सब फ्री का। नंदू वो अच्छा हो गया, तू आ गया। तू जल्दी कैसे लौटा है? क्या बात है नंदू, तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? वो 10,000 क्यों हो गया? मैं क्यों कहता है? नंदू वो 10,000 कहता है? आखिर क्या हुआ है तुझे? देख भाई, अगर तू मुझसे खफा है ले जूता मार, लेकिन बात तो कर यार। तो तू बात नहीं करेगा? मत कर, मेरा किए। घर पे तो सब अच्छे ही होंगे? हाँ, खैर अभी चाचा भी मजा ही कर रहे होंगे।
तेरे टांगा चलाते होंगे, पाँ 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 पाँ, है? वे चाची, वे चाची याद आ गई, हाय चाची क्या लस्सी पिलाती थी, है नंदू, है? मैं भी पूरा करता हूँ, पके ही चला जा रहा हूँ, पके ही चला जा रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब है, ठीक है ना गल कर, मेरा की दिमाग खराब हो गया, की है, दर्शन, की है, की है, ये ले, चाकू, मुझे दे रहा है, लेकिन तुझे तो ये बहुत पसंद था, हाँ वजीरा, लेकिन ये भी तो मुमकिन नहीं कि आदमी को जिस चीज से प्यार हो वो हमेशा उसके पास रहे। दरवाजा नहीं खोलेगी, अब क्या करूं, बारात आ गई, आप लोग नीचे चलिए, मैं उसे लेकर आती हूं। बेटी दरवाजा खोल। Thank you.
तस्लीम चाची, जीती रहो बेटी। इतनी उदास क्यों हो? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जिगर के दो टुकड़े थे, एक ने मुझे छोड़ दिया, दूसरे को मैं किसी और के हवाले कराई। दुखी ना हो चाची, ये सब नसीब की बात है। हाँ बेटी, नसीब ही अच्छा होता तो आज ये दिन क्यों देखना पड़ते हैं? अरे चूल्हा नहीं जलाया आज? किसके लिए जलाऊं? चाची अगर तुम इस तरह फाके करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। ठहरो मैं खाना लेके आती हूँ। चलो मेरी समझ में नहीं आता आजकल नंदू को क्या हो गया। हाँ यार आजकल तो बिल्कुल ही बदल गया है, बात करो तो काटने को दौड़ता है। कल तो मेरा उससे झगड़ा होते होते रह गया। अच्छा तेरा तो सबसे झगड़ा है, इससे झगड़ा उससे झगड़ा। अरे भाई वजीरा तू तो नंदू का पुराना साथी है आजकल नंदू को। अरे भाई नंदू और एक तो आप हो जाए। छोड़ भी, तू भी किसकी बात करता है, जब देखो डेढ़ मन का मुंह लटकाए फिरता रहता है जैसे इसकी मंगेतर किसी और के साथ भाग गई। शाबाश नंदू, और क्या बताऊं जी, पूरे शहर और हमारी ने तुमको दो घंटे का एक्स्ट्रा फटिक दिया, वह भी करोगे? बोलने का तो कोई हक नहीं लेकिन तुम एक होनहार सिपाही हो, फौज को तुमसे बड़ी उम्मीद है, इसलिए तुम्हारा यह बर्ताव गलत है। ये तार तुम्हारी मां बीमार है, मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी की सिफारिश कर दी।
अब कोई चिंता की बात नहीं। वैसे तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं बिल्कुल अच्छे हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इन्हें कोई सदमा ना पहुंचे, दिल बहुत कम। और हाँ, मैंने जो दवा दी है वो इन्हें महीने बताओ जी। आज की ताजी खबरें, अरे भाई जापानी किस कदर आगे बढ़ रही है, लड़ाई दिन पे दिन जोर पकड़ रही है। क्या हुआ नंदू भाई, क्या बताऊं, आज रात को जापानी फौजों ने सिंगापुर पर बमबारी की और हजारों आदमी मारे गए। जापानी फौज बर्मा तक पहुंची, अब तो हमारे मुल्क को भी जंग का खतरा है। आगे बढ़िए जी, ये देखिए टोको आज दादी फौजों को रात में। अम्मी ने तेरे लिए रोटी भेजी, चल जल्दी से खा ले। नहीं मुझे भूख नहीं है। नंदू राजा, जा बेटा रोटी खा ले, रात से तूने कुछ नहीं खाया, जा बेटा खा ले रोटी। आप कैसी हो चाची? बिल्कुल अच्छी हूँ बेटी, जिस तरह तुम दोनों ने मेरी सेवा की। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, नंदू ने तो दिन रात एक कर दी। भगवान तुम्हें इसका फल देगा। डॉक्टर साहब ने कहा तुमको खूब फल खाना चाहिए। देख तो बेटे कहीं रोटी तो नहीं कम पड़ गई। क्या बात है नंदू, अरे तुमने खाना भी नहीं खाया? मैं बड़ी चिंता में पड़ गया, समय में नहीं आता क्या। क्या बात है, माँ तो बिल्कुल अच्छी है। ये बात नहीं, मुझे फौरन वापस जाना होगा। लेकिन तुझे चार ही दिन तो हैं। छुट्टी खत्म कर दी गई है, तार से हुक्म आया कि फौरन अंबाले पर रिपोर्ट कर। लेकिन क्यों? शायद वहां से लड़ाई पर जाना पड़े। लड़ाई पर? तू क्या कह रहा है? तुमने भी सोचा कि चाची का क्या होगा? इसी ख्याल से तो दिल बैठा जा रहा है। फरीदा, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तू ही। नहीं, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन मुसलमान नहीं जाना, और नहीं जाना। मैं समझता हूँ फरीदा, अगर माँ को पता चल गया कि मैं लाम पर जा रहा हूँ तो उसका दिल। कैसी मुसीबत की घड़ी है मेरा लाम, अब क्या होगा नंदू? जैसे भी हो फरीदा, माँ से ये बात छुपाना पड़ेगी, तो कभी ना मालूम हो कि मैं लड़ाई कर गया हूँ। रोटी तो कम नहीं पड़ी। नहीं चाची, अब तू जा माँ के पास बैठ। छुट्टी खत्म हो गई माँ, मुझे वापस जाना है। अभी तुझे दिल भर के देखा भी नहीं कि तुझे लौटना पड़ गया। मैं इस बार जल्दी ही लौटाऊंगा माँ। हाँ बेटा, और अब की कम से कम एक महीने की छुट्टी लेकर आना। हाँ जरूर माँ। अच्छा मैं चलूं। भगवान तेरी रक्षा करे बेटा, तू चुप चुप। जाने की बात है मां, तुम्हें छोड़कर जाने को दिल नहीं चाहता,
मैं समझती हूँ मेरे लाल, लेकिन तू हमेशा के लिए टूटे जाना फरीदा, तू रो रही है? नहीं चाची, मत रो बेटी, नंदू जल्दी वापस आ जाएगा। सोचता हूँ मेरी वजह से तुझे कैसी कैसी परेशानियां उठाना पड़ी, लेकिन तेरे सिवा मेरा है भी कौन? आज भी मां को तुझे पर छोड़ के जा रहा हूं, उसका ख्याल रखना। अच्छा अब मैं चलूं। नंदू, मैं जानती हूँ कमली से तुझे बहुत दुख पहुंचा, लेकिन नंदू अल्लाह जानता है बिल्कुल निर्दोष है। क्या क्या सत्या की है उसके लाची मामा ने, यहाँ तक कि उसने धमकी दी कि अगर तू शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। एक तरफ उसकी अपनी दुनिया और उसके सुंदर सपने, दूसरी तरफ घर भर की बर्बादी का डर। एक बेजमा लड़की कही कर सकती, घर की इज्जत के लिए उसे अपनी खुशी कुर्बान कर दे। मैं उसकी मजबूरियों को समझता हूँ फरीदा, किस्मत को शायद यही मंजूर था। इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अगले जन्म। नंदू, उनका ख्याल रखना।
देखा जापानी फौजों ने रास्ते का साइन बोर्ड बदल दिया और हमारी फौजें गलत रास्ते पर चली गईं। साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं एक छोटे रास्ते से वहां बहुत जल्दी पहुंच सकता हूं। अच्छा जाओ। हेलो Thank you.
रास्ते पर आ गए। क्यों? जापानी फौजों ने रास्ते का साइन बोर्ड बदल दिया। रेडी टू चार्ज।
बेल्ट खोल दे। अरे तू तो लोगों हाथ हो रहा, तुझे तो बड़ा गहरा घाव लगा। ये घाव भी भर जाएगा, दूसरे घाव भी जाए। पानी पिला दे। रिलीफ के फौज आ गई क्या? नंदू तुम्हें अस्पताल ले जाने लोग आ गए। ओए कहाँ चली तू? कल सुन कुड़िये, तेरी कुड़माई हो गई। रीता रो रही है, ऐसा लगता है फरीदा अगले जन्म में तू और नंदू। नंदू कैसी तबीयत? कुछ देर पहले बहुत खराब थी हमारा, अब चंगा बिल्कुल चंगा। हवलदार साहब, हवलदार जी को चिट्ठी लिखता, मेरा मत्था देखना जरूर लिख देना। चिट्ठी लिखना कैसे नंदू, हम दोनों साथ ही घर चलेंगे। घर घर जाना तो मेरी माँ से जरूर मिल, उसे कहना तुम्हारा नंदू तुम्हें बहुत याद करता था। और कहता था माँ मैंने इंसान बनने की कोशिश की। जरूर कर, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ नंदू। तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मुझे बचाने के लिए तुमने जानबूझ के अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाली? बताओ नंदू बताओ। उसने कहा था नंदू, नंदू डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
पंजाब रेजिमेंट के जापानियों के खिलाफ एक पेट्रोल ड्यूटी पर भेजे गए। इस पेट्रोल ने एक मशीन गन सेक्शन के साथ मायावाड़ी के पास सड़क पर रोड ब्लॉक लगाया। हमले के दौरान नंद सिंह ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए और मरने की परवाह न करते हुए अपने साथियों को हिम्मत दिलवाई, उनमें जोश पैदा किया और सबसे आगे हिस्सा लेते हुए एक मिसाल कायम की। ये काम करते हुए नंद सिंह के रथों से बहुत खून निकल चुका था और कुछ देर बाद वो खुद मर गए और अपने साथी को बचाकर बहादुरी की एक ऊंची मिसाल कायम कर दी।